राजभवन में आज सूचना का अधिकार अधिनियम की 19वीं वर्षगांठ पर सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजन किया गया। समारोह में राज्यपाल गुरमीत सिंह द्वारा 5 उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोक सूचना अधिकारियों और 3 प्रथम अपीलीय अधिकारियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने RTI विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत करने के साथ ही वाद विवाद प्रतियोगिता और जागरूकता अभियान को शुरू करना एक बेहतरीन कदम है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के 19वीं वर्षगांठ के ऊपर में राजभवन के अंदर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुझे बहुत खुशी है कि हमने इस संवाद के अंदर में पूरा वी टुक स्टॉक कि हम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और किस मार्ग के ऊपर में चलना है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उत्तराखंड का सूचना आयोग बहुत ही अच्छी कार्य कर रहा है और आज एक बहुत सुंदर स्टेप किया गया कि जो भी अधिकारी अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित किया गया। ये पहली बार है कि RTI संस्था के अंदर में हमने एक सम्मान देने के लिए एक प्रोग्राम किया गया। इस अवसर पर प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त विवेक शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से एक्ट के प्रचार प्रसार के साथ ही जनता में जागरूकता का संचार होगा। तो सब ये कार्य इसलिए हो रहा है कि एक तो जनता में जागरूकता हो और इसका RTI एक्ट का प्रचार प्रसार हो, तो उसी के लिए ये प्रथम बार एक तो हमने इसमें जो इंटर कॉलेज डिबेट जो अभी प्रथम बार यहाँ पे स्टार्ट किया है, जो विधि के कॉलेज हैं पूरे प्रदेश भर के उनका भी हुआ था, तो उसमें लगभग 19 कॉलेजों ने पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें बच्चों में जो वहाँ के विद्यार्थी थे उन्होंने अच्छी तरह से उसको पढ़ा और उस पर डिबेट किया। तो एक प्रकार का वो भी भविष्य के हमारे अधिवक्ता भी हैं और भविष्य के न्यायिक अधिकारी भी हैं, तो उन्होंने ही जनता के बीच में भी जाना है और जनता की समस्याएं भी उठानी है। तो एक पारदर्शिता और एक गुड गवर्नेंस तो उसकी ओर बढ़ना है, लोकतंत्र को भी मजबूत करना है। वही कार्यक्रम में उत्कृष्ट लोक सूचना अधिकारी के रूप में सम्मानित होने पर बागेश्वर जिला विकास अधिकारी संगीता आर्य ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह के सम्मान मिलने पर अधिक ऊर्जा और जिम्मेदारी के साथ काम करने का हौसला बढ़ता है। आज जो है हमारे जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसके 19वीं वर्षगांठ के अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया गया है और ये निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत है। और क्योंकि हम लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग कार्य करते हैं, तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें उसमें देखनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझना होता है। जो हमारे अपीलार्थी होते हैं उनको संतुष्ट भी करना है और साथ में सूचनाएँ हमारी सही प्रकार से जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं वो भी हमें देखना होता है। तो हम लोगों को इससे बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेशन मिलता है।